फादर हमजीत वो भी है यहाँ पर, ठीक है। एक बार इन दोनों के लिए ताली बजा दो, सारे अपने लिए भी बजा दो। भाई माइक दे दो ना, माइक दो, ये तो इनकी आवाज वैसी दब जाएगी। फिर एक बार माइक जरूर चेक कर लेना दोनों, कभी ऐसा ना हो बाद में शिकायत मिले मेरी आवाज को माइक ने जबरदस्ती दबवा दी। विनोद जी एक बार आप भी चेक कर लो। हेलो हेलो, ओके है ना भाई, आवाज चेंज करके दो, आवाज किसी की जबरदस्ती नहीं दबा। हेलो हेलो, हेलो हेलो, एक बार फिर ट्राई करो। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया बढ़िया, बस चलो एक बार शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं विनोद जी आपसे, ठीक है। ये क्षेत्र की जनता है, जाऊंगा निष्पक्ष तरीके से, एक बार फिर कह रहा हूँ निष्पक्ष तरीके से आवाज रखना। बेशक आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, किसी को नहीं करते हो, सिर्फ हमें वोट उस व्यक्ति को देना है जो हमारे लिए उपयुक्त है। हमें वोट देना क्यों देते हैं हम लोग वोट, पहले एक बार ये समझो यार, हम वोट क्यों देते हैं? हम पार्षद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, पूरी सरकार तैयार कर देते हैं और वो लोग हमको बेरोजगार बनाते हैं। हम लोग उनको रोजगार देते हैं विधायक बनाकर, हम लोग उनको रोजगार देते हैं सांसद बनाकर, हम लोग उनको रोजगार देते हैं नेता बनाकर, हम लोग उनको रोजगार देते हैं प्रधानमंत्री बनाकर। क्या वो लोग हमको बेरोजगार नहीं बनाते, बताओ? इसलिए हमें अपने मत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बट जाते हैं। हम लोग बीजेपी को चुन लेंगे, कांग्रेस को चुन लेंगे, आम आदमी पार्टी को चुन लेंगे, यही होता है राजनीतिक पार्टी को चुन लेंगे। हम अपने भारत देश को नहीं चुनते, हम अपने देश को नहीं चुनते। और सही मायने में समस्या सिर्फ इसीलिए है, हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं होता। अगर आज मैं बीजेपी को ज्वाइन कर लूं, या कांग्रेस को चुन लूं, या आम आदमी पार्टी को चुन लूं, और मेरे क्षेत्र में अगर कोई भी चौक चौराहा सड़क नाला कुछ भी बन रहा है, तो मैं उसके खिलाफ बोल भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं बटा हूं, एक पक्ष का हो जाऊंगा। और अक्सर निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करने में भी क्या क्या समस्या आती है, दो मिनट वो भी लूंगा मैं। अगर मैं कड़वे सवाल करता हूं तो निष्पक्ष सवाल करता हूं, निष्पक्ष वो सवाल जो क्षेत्र की जनता को करने चाहिए। मेरा वोट सही मायने में सेक्टर 5 का है, मैं सेक्टर 5 का निवासी हूं, लेकिन बुद्ध विहार को अपना तब भी परिवार मानता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे पिता तुल्य, माता और पिता तुल्य, माताएं और बहनें सभी रहते हैं यहां पे, सभी यहां पे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी निष्पक्ष तरीके से सवाल करने में यही लोग मुझे तोड़ते हैं। बीजेपी से अगर थोड़े कड़वे सवाल कर लिए जाए तो कहेंगे आम आदमी पार्टी का भेजा हुआ है, ये आम आदमी पार्टी का भेजा हुआ है। और आम आदमी पार्टी से वाले कर लो तो कहेंगे बीजेपी का भेजा हुआ है, और कांग्रेस से कर लो तो ये दोनों का भेजा हुआ है, समझ रहे हो? तो ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और इन समस्याओं को पार करके ही हम अपने बुद्ध विहार को, हम अपनी दिल्ली को, और हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएंगे। और जबरदस्ती एक पाले में बट के हम कभी भी निष्पक्ष तरीके से काम कर ही नहीं सकते। और जब तक निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आप किसी तरीके का सुधार करा सकते हो, ठीक है? भाई माइक ना बीच बीच में टूट रहा है, माइक तो हाथ भी नहीं है यार वहां पे। विनोद जी एक बार शुरू करेंगे, अपने परिचय के साथ एक बार आप बताएंगे इसमें अपने क्षेत्र के अंदर, अपने वार्ड के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर राजनीतिक या सामाजिक तौर पर किस आधार पे आपने काम किया और कितना काम किया है। मेरा नाम विनोद डबास है। आवाज तेज कर दो भाई, बिल्कुल कम है। हेलो, हाँ मेरा नाम विनोद डबास है और मैं कांग्रेस का प्रत्याशी वार्ड नंबर 25 से। तो बात आप कर रहे हो कि भाई हमने, मेरा क्या रोल रहा है, हमारे मामा जी यहाँ से विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, मेरे मामा सज्जन कुमार जी और रमेश कुमार जी, उनके टाइम पे हमने यहाँ पर बहुत काम करवाए हैं जब वो विधायक थे और एमपी थे। विकास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। किसकी दावेदारी कितनी भारी और प्रत्याशी है, इनका चुनाव चिन्ह जो है, हाँ हाँ बिल्कुल आपका स्वागत है। आप मंच पे एक बार आए और
बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपके टीम के साथ, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत भी कर रहा है भाई। करंट आ रहा है, इसमें एक बार चेक करवाओ यार सही से, हम का अभी से करंट मत लगवाओ किसी के। मैडम ये कह रही थी इनकी तीनों की चेयर के बीच में डिस्टेंस करवा दो, मैं क्यों आपस में बांट रहे हो, एक तो अभी तक गैप करवा दें, चलो थोड़ा थोड़ा सा गैप कर दो विनोद जी, बना दो भाई करंट आ रहा है चेयर में, किसी कोशिश में करंट आ रहा है, सब में आ रहा है, क्या कर लेंगे पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, हम एक टीम दूसरे यहाँ लगा लेंगे, हमने बात ही तो करनी है, हमने बात ही तो करनी है, मंच में करने ज्यादा आ गया, सही बात है। आइए माइक चेंज कर दो, गड़बड़ कर रहा है अब, ठीक है उसी में करंट बता रहे हैं कुर्सी में बता रहे, ये कुर्सी में करंट आ गया, और मैं भी फिर लीवर सुन रहा हूँ कि ऐसे कुर्सी में भी करंट आता है, कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई और कुर्सी में करंट है। एक बार ट्राई कर लो दोबारा से विनोद जी, एक बार चेक करो, हेलो हेलो चेक हेलो, ये कुर्सियां यहाँ कब आ रही, कुर्सियां उठा के यहाँ कर दे, हाँ ये कुर्सियां यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ कर, ऐसा लग रहा है जब पीछे बैठे हो तीन तो लगे लो सामने होने चाहिए। आज तो पता तो लगना चाहिए तिलों में तेल कितना है, पूरे करंट के साथ आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं जबरदस्ती नहीं बुला सकता, क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता के सामने फोन किया, कहो तो दोबारा कर देता हूँ एक बार, ठीक है बोल के, ठीक है ना, मैंने फोन करके कहा था शायद हमारी तरफ से कोई नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो मैंने कहा क्षेत्र की जनता में अब देख लिया कोई एक पार्टी का बंदा यहाँ क्यों नहीं दे रहा, ठीक है चलो। वो अमृत जैन जी की खाली है, आम आदमी पार्टी की खाली है, देखो पार्टी के प्रत्याशी कहूँ उम्मीदवार कहूँ अमृत लाल अमृत कारक जैन जी की अमृत जैन जी की खाली है ये, और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन्होंने मुझे कहा है कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, मैंने ये भी बोला अगर आप नहीं आ पा रहे तो आप अपनी तरफ से किसी को भेज दो, यहाँ तक भी बोला,
लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हमारी तरफ से भी कोई और नहीं आ पाएगा, तो हम जबरदस्ती उसको बुलाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जबरदस्ती फोन करने का बहुत ज्यादा, फिर कहेंगे कि एक पक्ष का हो गया दिनेश भी अगर मैं बार बार फोन करूंगा तो। इसलिए अब हम यहाँ पर उन्होंने मेरे दोस्त उससे बात हुई थी, बोले वो कड़वे सवाल पूछते दिनेश जी और मैं नहीं आऊंगा, वो हम जो ना हमारी खोल कर रख देंगे। एक बार विनोद जी तुम्हारा उसी प्रक्रिया को शुरू करेंगे, एक बार अपने परिचय के साथ शुरू करेंगे कि आपने सामाजिक और राजनीतिक तौर पर इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान है। एक बार आराम से बैठ के सुनेंगे, देखो थोड़ा सा समय है हमारे पास, ये मेल जो हम फिर कर लेंगे, एक बार आराम से बैठ के इनकी बात को सुने ध्यान से। एक बार मैं विनोद अबाद वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, और जब बात हो रही है कि हमारा क्या योगदान रहा, तो मेरे दोनों मामा जी यहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और एक विधायक रहे हैं। बुधवार के सबसे पहला जो कार्य हमने शुरुआत करवाई थी, तो रोड बनवाई, यहाँ बिजली पानी हमारे कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत कराई थी, जो आज भी चल रही आ रही है लगातार। आप लोग इनसे संतुष्ट हो? बताओ क्यों? मैंने देखा हुआ है सज्जन कुमार जी और रमेश कुमार जी के दोनों के कार्यकाल में एक भी ईंट बुद्ध विहार के अंदर नहीं लगी, ये झूठ है, बल्कि यहाँ के डेवलप का पैसा रमा विहार में जाकर लगा हुआ है। क्या बहुत सारे सवाल है, निगम पार्षद में यहाँ रहा हूँ, कुछ भी नहीं गया आज तक, कोई भी मकान किया आप अपने स्थान पे बैठो, मैं आपके पास आऊंगा, एक भी काम नहीं किया। मैं आपके स्थान पे आ जाऊंगा, अगर किसी ने अपनी बात करनी है तो वो यहाँ पे ना आए, मैं चल के उसके पास आऊंगा। एक सवाल है, व्यवस्था खराब हो जाएगी, माइक चालू करो भाई, माइक चालू करो। विनोद डबास जी, भारत में दो ही पार्टियां थी, कांग्रेस और भाजपा। आप लोगों ने अपना अस्तित्व दे करके एक झाड़ू खड़ी कर दी। मैं आपसे चाहूंगा, आप हमारा वोट बैंक क्यों नहीं वापस ले पा रहे हैं? आप झाड़ू को सपोर्ट क्यों कर देते हैं? मैं चाहूंगा भारत में दो पार्टियां थी, दोनों पार्टी अस्तित्व है, जैसे कि आज केजरीवाल दिल्ली छोड़ करके गुजरात और अमृत जैन छोड़ करके आज कोई गुजरात के रास्ता पर गए हुए हैं। मैं आपका वोट क्यों नहीं वापस ले पा रहे हैं? आपका अभी तक अपने पास तीन लोगों ने अपनी बात रखी, आपको क्रॉस किया है, इसके पक्ष में या इसको लेकर के आप अपनी बात कैसे रखेंगे? जो ये कह रहे हैं वोट बैंक, तो देखो हमारा वापसी आ रहा है और अब की बार बड़ी लहर के साथ आ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरी बात रही, आप कह रहे हो हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा था, भाई साहब इस टाइम में गुजरात में वो अपनी मर्जी से नहीं गया हुआ, मोदी साहब ने लगा रखा घंटा वोट लगा रखा है, वोट काटता होता है वहाँ पर, ये मोदी ओबीसियों पर खोया नहीं करता, दोनों का काटा नहीं है, केजरीवाल को वहाँ पर भेज देता है, ये बीजेपी में भाई बीजेपी की अगर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद को चयन किया गया है तो किस कारण चयन किया गया है? क्योंकि उन्होंने यहाँ काम नहीं किया, माफिया को यहाँ बिठा दिया, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद आज पूरी मार्केट में कोई भी लेडीज के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और हम भी राम भक्त भैया, आप भी बोले कांग्रेस बोला जय श्री राम, जय श्री राम। सज्जन कुमार जी ने और रमेश जी ने कच्ची गलियां बनवाई, बुद्ध ने बीजेपी वाले बैठे, बता दें किसने बनवाई थी वो कच्ची गलियां?
आरोप लगाते हो आप लोग हमारे ऊपर। अभी आपने कहा केजरीवाल बीजेपी की बी पार्टी है, ठीक है, अगर आपकी बात को मान ले हम तो हमें पास जाना चाहिए। 2013 के इलेक्शन में केजरीवाल पहली बार जब आया और सीटें जीता, आप सीटें आपने अपनी देखे समर्थन से सरकार क्यों बनवाई? समर्थन तो दिया, कोई बात नहीं, इसका वही, लेकिन आप लोगों का जो अन्न आंदोलन था वो बहुत सारा आरएसएस का पॉइंटेड था, आप लोग ही वहां जाकर बैठे तो लाने वाले हो। विकास गोयल जी हमारे बीच मौजूद है, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनका जो है चुनाव चिन्ह है टेलीविजन का। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी, एक बार परिचय के साथ शुरू करेंगे और सामाजिक या राजनीतिक तौर पर आपका अपने वार्ड में क्या योगदान रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक हेल्थी डिबेट आप करवा रहे हैं और सीसीएन को बधाई दूंगा जो ना पक्ष की ना विपक्ष की सुन रहा है, सभी प्रत्याशियों को बिठाकर आज एक डिबेट हो रही है। विकास जी, और मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, मेरा भी पहला अनुभव है और कहीं गलती हो तो बच्चा समझ के माफ की आवाज खोल। और साथियों, मेरा परिचय तो आप सभी जानते हैं, सबकी जुबान पर मेरा परिचय, मुझे किसी को परिचय देने की ऐसी जरूरत लग नहीं रही। मैं आप सबका बेटा, आप सबका बच्चा, जो पिछले लगभग 2006 में बुद्धविहार आया था और आज 16 वर्षों से बुद्धविहार में हूँ। सफीदों से आया था, जो प्यार की कमी वहां महसूस कर रहा था वो आप लोगों ने इतनी अपार दे दिया, पता नहीं लगता कि मैं सभी अपने गांव में जाना थे। पीछे धमतान साहिब नरवाना टोहाना के बीच में धमतान साहिब हमारा पितृक गाँव है। सफीदों मेरी कर्म भूमि भी रहे, पिताजी वहां से पार्षद रहे हैं और मैं हर वर्ग से सर्व समाज से जुड़ा हुआ और सर्व पार्टी के सभी साथियों से जुड़ा हुआ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सबसे प्यार करो। और स्वतंत्र होने के बाद तो बहुत आनंद आ रहा है जी, स्वतंत्र होने के बाद बहुत आनंद आ रहा है जी, जहाँ जाता हूँ सबसे अपार प्यार और प्रेम मिल रहा है, यही मेरा परिचय। और क्षेत्र के विकास में पिछले 5 वर्षों से बुद्धविहार विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते जो जो काम किए सब आप सबके सहयोग से किए जी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आज पूरा बुद्धविहार बोल रहा है। आज एक जनता का उम्मीदवार नेशनल पार्टियों के बीच बड़ी मजबूती से लटगाड़ के बैठा हुआ, ये पीछे सारी क्षेत्र की जनता को। देखिए सामाजिक मेरा हर सुख दुख में पिछले अन्न आंदोलन से लेकर मैं पार्टी से जुड़ा रहा और मुझे जिला उपाध्यक्ष जिला विठाला विधानसभा अध्यक्ष मैं बता रहा हूँ, हर सुख दुख में पिछले 10 वर्षों से पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र के हर साथी के सुख दुख का हिस्सा रहा हूँ। पूरा प्रयास किया है कि छोटी उम्र में भी जहाँ जा पाऊँ, जहाँ रह पाऊँ, वहाँ रहा हूँ। और पिछले 5 वर्षों से 10 अक्टूबर 2017 से एक समिति का गठन कर एक परिवार का गठन कर हमने क्षेत्र के विकास में पर्यावरण जागरूकता, समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, सब आप भी जानते हैं। इसमें हमने एक घर एक पौधे के तहत 8,000 पौधे निःशुल्क वितरण किए आप सभी के सहयोग से, आपसे मदद मांगनी थी जब भी जरूरत महसूस हुई। और साथियों आज 12 पानी के प्याऊ, ठंडे प्याऊ आप सभी के आशीर्वाद से चल रहे, मैंने अपने जेब से कुछ नहीं किया, आप सब आशीर्वाद जी, आप मेरे आदरणीय हो। पर एक मिनट करोस, मेरे ख्याल से जब 1,000 से 1,500 लोग राहगीर जब ठंडा पानी पीते हैं, वो स्कूल के बच्चे आते जाते ठंडा पानी पीते हैं, उनकी आत्मा से पूछना वो गंद है या सही काम है, उनकी आत्मा से पूछना। आज ये पूरा बुद्धविहार बोल रहा है साहब, ये कार्य है, ये कोई गलत कार्य नहीं। कोरोना काल के अंदर जब रिश्तेदार का फोन उठाने से मना कर गया, इस बुद्धविहार विकास समिति की टीम के सभी साथी जो आज भाजपा से भी हो सकते हैं, कांग्रेस से भी हो सकते हैं और आम आदमी वाले भी हो सकते हैं, इनसे पूछ लेना, इनकी वैक्सीनेशन सब हमारी टीम ने बुक करी थी साथियों, हमारी टीम ने।
बिना किसी विरोध के। संतोष तो भाई साहब इनकी बातों से पता नहीं। देखो यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने अपनी निकासी में अपनी बात करी और बड़ी बेतराकी से बात करी और निष्पक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो है लोग थे यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से इन्होंने भी अपनी बात को कहूंगा सभा में आए हुए हमारे कुछ पत्रकार मोहते भी यहाँ पर पहुंचे हैं, काजल है और मुकुल है और अभी मुझे रवि भी नजर आता और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चाहूंगा एक बार आप लोग भी यहाँ पर प्रोग्राम करवा सकते हैं। मुझे लगता है शायद पहली बार किसी सोशल मीडिया के चैनल में काम करवाएगा। पहली बार अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आम नागरिक होने के नाते आपसे क्वेश्चन रखूंगा कि पिछले 5 सालों से आपने एक पार्टी का दामन थाम रखा था, उस पार्टी का नाम है आम आदमी कर पार्टी, जिसको हम कर पार्टी बोलते हैं, बिल्कुल कर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने 5 सालों तक इतनी सेवा करने के बाद जब टिकट नहीं मिला तब आपने निर्णय लेने का फैसला लिया, इसके पीछे आपका क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे जब एक बंदा कोई पार्टी में रहता है और उसके बाद अगर 4 साल 5 साल 6 साल रहने के बाद छोड़ता है तो क्या साथियों बात किसी पद की या उम्मीदवारी की नहीं है, या बात स्वाभिमान की। मैं 2017 में भी पार्टी की तरफ से मैंने नॉमिनेट किया था, वहां पर मेरी उम्र या अनुभव के आधार पर कुछ कमियां थी, मैंने उसको पांच वर्ष तक मैं पार्टी बदल बदल के दल बदलू नहीं। मैंने आज तक शायद जितने साथी बैठे सबको पता है, मैंने आज तक यही कहा है कि अगर पहली और आखिरी पार्टी होगी तो वो मेरी आम आदमी पार्टी होगी। मैं दल बदलूंगे सब और पूछो मत, बहुत जगह से ऊपर आए थे, मैंने किसी का दल नहीं, बहुत जगह से ऊपर आए थे भाई साहब आप मेरे आदर नहीं हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही सोचा था कि जहां कमी ग्राउंड पे अगर थी तो मैंने समिति के साथ समिति बनाकर क्षेत्र के बीच में काम किया था और ये चीजें इस ऐसे ही मैंने पार्टी नहीं छोड़ी कि भाई ऐसे ही छोड़ी। जब चीजों को समझा कि हर बार ही यही हो रहा है, एक कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, झंडे उठाता है और नारे पेड़ से लगाते हैं भाई साहब, और जब सेवा करने का उसका अवसर आता है तो पार्टियां टिकटे पैसों में बेच देती है, उसके हक और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मैंने जरिए लड़ा था, मुझे सीट से जाकर तीसरे प्यार दिए था। विकास गोयल देखिए बोले किसी मसीहा से कम नहीं है, विकास गोयल भाई है हमारा। मेरा विकास गोयल जी से एक सवाल है कि अभी विकास गोयल जी को टिकट झाड़ू से नहीं मिली तो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कहीं आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि कोई दबाव पड़े तो झाड़ू में चले जाएंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। जो एक राजनीतिक पार्टी उस व्यक्ति को अपने साथ जरूर खींचती है जब देखती है कि उसके साथ दमखम है या बल है या कुछ भी। मैं अपनी बात में ये नहीं कहूंगा कि इनके साथ बहुत दमखम है, लेकिन अगर किसी को लगता है तो पार्टी जरूर खींचने का लालच देती है, फिर चाहे वो पैसे का लालच दे या किसी भी चीज का, सीट का लालच दे, किसी पद का लालच दे, तो मैं चाहूंगा बिना किसी लालच में फंसने के अपनी अपनी पार्टी को बहुत अपने अपने बंदूक से संभालना और अपने अपने क्षेत्र में खूब विकास करना। विकास जी 2017 में सीएम साहब ने बुलाया था साहब, बता देता हूँ, और सीएम साहब ने बुला के सामने सामने बोला था कि विकास तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नॉमिनेटेड काउंसिलर बनाऊंगा। कुछ साथी मेरे जो पहले आम आदमी में थे आज भाजपा परिवार में, उनको सबको पता है ये वही विकास गोयल है जिसने पद और नॉमिनेशन काउंसिलर की चिंता नहीं करी और सीएम साहब के बिल्कुल सामने ऐसे बैठे दिनेश जी जैसे भाई खड़ा और मैं ऐसे सीएम साहब और मैं उनके रहूंगा। मैंने उनको कहा सीएम साहब लालची नहीं हो, 10 वर्ष आपने परिवार के अपने बच्चों का समय इस पार्टी को दिया है, मुझे लॉलीपॉप मत लो, मुझे ये बता दो कि 70 लाख रुपए में टिकट लेने वाला व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति आखिर आपने युवा को क्यों नहीं चुना? जिन लोगों ने धक्के खाए पार्टी के लिए अपनी चप्पल घिसाई, आज मेन बाजार से आज मार्केट से बातें आ रही है, अरे भाई तुम्हारी पार्टी भी पैसे देकर टिकट देती है, ये कलंक है हमारे ऊपर सीएम साहब, मुझे आप लॉलीपॉप मत दो, ना ही मुझे आपसे किसी पद और उसकी चीज। अगर यहाँ बैठ के कोई भी साथी यहाँ बैठे बतेरे कार्यकर्ता है जी, अगर एक सीएम साहब बोल दे तो सभी नतमस्तक हो गए, कहते ठीक है जी जो, और हो भी रहा ऐसे बहुत से असरों जो जो साथी आज लगे हुए ना जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं अपना, वो जमीन बेच चुके साथी, वो आज भी चेयरमैन और काउंसिलरों के पदों के लिए रुके हुए हैं, वहां पर आज भी चेयरमैन के लिए रुके हुए, मेरी
मेरी जनता बनाएगी, जनता मुझे मेरा नेता बनाएगी। सभी सभी को जनता बनाने वाली है और सभी को जनता गिराने वाली है, फिर चाहे वो पार्षद हो या प्रधानमंत्री हो। गर्ग साहब परिचय के साथ शुरू करेंगे एक बार कि क्षेत्र के अंदर आपने सामाजिक या राजनीतिक तौर पर अपने वार्ड के अंदर क्या काम किया। दिनेश जी पहले तो मैं आपका हेलो ये ले लो, अगर नहीं आवाज आती हेलो हेलो। हाँ दिनेश जी मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी जनता जनार्दन का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग डिबेट में पहुंचे। दिनेश जी मैं आपको अपना बता दूं कि आप लोग आज खुद बिहार में आज दिनेश को मतलब जनता को दे दो आज तो। मैं जनता को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी खुद बिहार में संस्थाएं हैं तकरीबन सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ चाहे बिहार विकास समिति है चाहे उसमें कोई भी कार्य हुआ है मैं साथ रहा हूं, चाहे किसी अन्य संस्थाओं में चाहे शादियों की बात हो गरीब कन्याओं के साथ हो या किसी कैंप के बारे में कोई भी बात हो मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूं। और एक और मैं आपको बता दूं कि उन झूठे लोगों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है आज बुद्ध विहार के अंदर कि मैं बहरीन निवासी हूं, सभी को पता होगा मैसेज सभी के पास आए होंगे, तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बार ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो मुझे 20 साल से जानते हैं, एक बार हाथ उठा के खड़ा करते हैं। यहाँ पर राजपाल जी बिल्कुल सही बात कही, 35 साल से बुद्ध विहार की सेवा में हूँ, मेरा व्यवसाय भी यही है और जनता से भी यही जुड़ा हुआ हूँ, जनता का प्यार जो है मुझे यहीं से मिला है और आप लोगों के ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके आगे मैं पल के बड़ा भी हुआ हूँ और ऐसे साथी भी हैं जिनके साथ मैंने कंधे के कंधा मिलाकर काम भी किया है, तो आगे भी मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि हमेशा जनता के साथ ही मिलकर काम करेंगे और सामाजिक तौर पर काम करेंगे, यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ठीक, वो भाई साहब अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ पिछले 5 साल से भी निगम में पार्षद जो थे भाजपा के पार्षद थे उन्होंने कोई एक ऐसा काम किया। ये हम रखेंगे भाई साहब, एक बार परीक्षा हो गया उसके बाद अभी रखेंगे सवाल, सेम ये इसी रखेंगे और आपके पास भी वो वक्त दूंगा मैं आपको, बिल्कुल अपनी बात रखना। एक मिनट दो, थोड़ा सा समय दो बस मैडम, सवाल राजपाल जी आपके इस क्षेत्र में आपके जो पुराने पार्षद थे हेमराज और वो आपी की पार्टी गात्री इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनके टिकट काट के आपको मौका दिया है। देखिए ये पार्टी का निर्णय है, इसमें कोई टिकट काटने का या किसी को खतरे को देने का ये कोई वो नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको टिकट पाएगी उसको देगी। मैं भी आपसे और हमारी पार्टी में मैं आपको एक और बता दूं ये भी नहीं है कि जिसको टिकट नहीं मिली वो बागी हो जाए। आप बताओ बुद्ध विहार की जनता है जो माननीय मोदी जी कितनी भक्त है, राजेश के प्रति इतने समर्पित है, काम करने दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दे। हमने सवाल किया वो सवाल किसी को पसंद आएगा जरूरी नहीं है, किसी को बुरा लगे, हर एक को पसंद आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी बात रखी, आप लोग अपनी पक्ष रखें। बताएं मेरे साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ही अपनी टिकट से साहब मूल्य बताए कितने बजे का आए हो क्या है? देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक कार्यकर्ता जो सबसे पीछे की कुर्सी में बैठने वाला कार्यकर्ता, ये बीच में मोदी जी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे पीछे से बुला करके कि आप लोग समाज सेवी हैं, आप लोग समाज की सेवा कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे बुलाया और बड़े सम्मान के साथ बड़े प्यार के साथ इस सेवा के लिए मुझे भेजा। ठीक है राजपाल जी बहुत
नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को जरा प्रधानमंत्री बना सकती है, तो पीछे की कतार से उठे हुए व्यक्ति को आगे चुने। ये कांग्रेस ये भी ना दो रिश्तेदारियों को पार्टी के बांटे नहीं, आप जिनसे भारत का कोई मैटर नहीं करता, अगर प्रत्याशी लाया गया तो उसको टिकट मिलेगा। मैं राज्यपाल जी से एक सवाल पूछ रहा है, राज्यपाल जी देखो मेरा हाथ जोड़ रहा, देखो प्लीज यार, क्योंकि व्यवस्था खराब हो जाती है। अगर सत्ता के पार्षद ने खुद बिहार में काम किया था तो क्या आप उनके काम के नाम पर वोट मांगेंगे? बैठे बिहार की जनता को बताएंगे उन्होंने क्या काम किया, उनके नाम पर वोट मांगेंगे आप? बिल्कुल देखो फिर वही बात आ रही है, बैठ के करेंगे तो हम बहुत अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। हेलो भैया, राजपाल जी ने एक सवाल, एक सवाल और एक छोटा सा सवाल राजपाल जी से। ऐसे व्यवस्था खराब हो रही है, ये आराम से बैठे थोड़ा सा काम मैडम, दूसरा क्वेश्चन आराम से बैठे आराम से ध्यान से सुनो। आप लोग बैठोगे तो सवाल समझ में आएगा, जवाब समझ में आएगा, ऐसे करो तो पार्टी से हमारे सामने आते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। देखो भाई मैं फिर बता दूं, पूरा भाजपा परिवार साथ में है। अगर इस डिबेट के कार्यक्रम को वाकई सक्सेस बनाना है और हमें एक दूसरे की बात को सुनना और समझना है तो हमें शांति से तो बैठना होगा, हम सवाल रखें, अपनी बात रखें, इनको क्रॉस भी करें इन तीनों को, लेकिन शांति के साथ ऐसे हु हल्ला करके खड़े होकर के तो यार कुछ लोग परेशान होते हैं, हमारा क्या फायदा फिर करने का? हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ यार, बैठे उसी को देखे अच्छे से मजा आएगा। मैं देखो जिसके पास आना होगा मैं मैडम आ जाएगी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन हाथ खड़े कर दो क्योंकि ऐसे में क्या होगा, बड़ी समस्या है यार। मैं एक मैं वही पूछूंगा, रखो अब देखो शांति सर, बीच की कहते बिल्कुल खाली कर देना, खाली कर दो। सवाल ये है कि आप इस समय चुनाव प्रचार में लगे हैं लेकिन आपके जो पूर्व पार्षद हैं वो आपके साथ नजर क्यों नहीं आते, ये वक्त पूछा मैंने। ठीक है, इनका हमारे जो पार्षद हैं हम हमारे मिलकर साथ रहते हैं, ऐसी कोई वजह नहीं है कि हमारे साथ नहीं है, हो सकता है कोई स्वास्थ्य कारण कोई एकाला दिन नहीं आते हो, ये हमेशा मेरे क्या आप अपने पूर्व बिहार में पूर्व पार्षद के द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं इसलिए या नहीं हो, बताओ? देखो जब जनता का कोई भी कार्य है, आज है कल है या परसों है, कोई भी जितने भी आज तक रहे हैं सबने कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है कोई कार्य नहीं होता, लेकिन भाई साहब लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिसने भी कार्य किए हैं हर व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं हो सकता, सभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, कोई ना कोई कमी रह जाती है, जो भी कमी रह जाती है जो भी कमियां रह जाती है उसको सुधारने की पूरी गुंजाइश होती है, उसके बारे में पूरी चर्चा होती है भाई क्या कमियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं वो अवश्य पूरी होंगी। इस समय जो वार्ड 25 की क्षेत्र की जनता यहाँ मौजूद है क्या इनकी बातों से संतुष्ट हो?
पिछले एक काम हुआ भाई साहब, अंसारी की दुकान से ग्रोसरी हाउस बन गया। ठीक है, अंसारी की दुकान से हमने वोट मांग रहे यार, बोलते बिहार से पुष्पांजलि। अगर देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर एक सवाल को एक चीज और बता दूं, देखो ये राजनीति है, ये राजनीति है। अगर अगर मैं एक सवाल को एक घंटा भी खींच दूंगा तो वो भी कम पड़ जाएगा। सच्चाई है, ये आप सब जानते हो, ये राजनीति है, ये तो लस्सी है, जितना भी लो लो साला उतना नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ना एक सवाल को लिमिट करके मौके बात करते हेलो 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 एक मिनट सुनिए तो सही। कांग्रेस को मिस भी बहुत लोग करते हैं, सिवाय एक चीज के किसी से पूछ लो, दिल्ली की जनता एक ही बात कहती है, कांग्रेस की बहुत अच्छी थी क्योंकि खाती थी और खाने देती थी। विनोद जी आपसे शुरू करेंगे। अभी आप चुनाव की पूरी तैयारियों में हैं और जितने समय से आप वार्ड में रह रहे हो, आपने खुद ने वार्ड के अंदर कितना सहयोग किया, आपने शुक्रिया के लिए गलत तो नहीं है। ठीक है ना, आप इस वार्ड में रहते हो, आपने खुद ने इस क्षेत्र की जनता को कितना सहयोग दिया है ताकि ये जनता आपको वोट क्यों दे अपना अंगूठी गिनता। जब आज भी काम हो या कोई भी हो, मैंने भी हमेशा बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लिया। दूसरा, ये लोग कहते परिवारवाद खिलाते रहते हैं। भाई साइकिल पर वाले लड़के का नाम क्या है? कौन है वो? हम सर कहाँ से? बीजेपी से। अच्छा, अभी साइकिल लड़का क्या करता है? जैसा अध्यक्ष है। कैसे बना? क्रिकेट टीम में देखा? अभी क्रिकेट खेलते देखा? बॉल का साइज बताए, वार्ड के मुद्दे के लिए कुछ भी नहीं बचा, जो नेशनल पे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वार्ड की बात तो देखेंगे, वार्ड के मुद्दे के नेशनल भी क्या रखा हुआ है। हेलो, एक मिनट आपके पास है, बताओ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हमारे राजपाल जी ने बोला कि मुझे पीछे से उठा के आगे बिठाया, क्या इस बुद्धगार के अंदर ऐसे और लोग सारे कोई थे नहीं जो सर में बैठे थे? अब अगली बात रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे खत्म करेंगे सवाल। अब मैडम अगला सवाल फिर वही बात है ना, आपके पास बताओ। केजरीवाल को कांग्रेस ने तो अपने खुद में पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस के केजरीवाल के समर्थन में रहे हैं। आप बताए, मेरा सवाल है विनोद दवास जी से, कलोनी काटने वाला कांग्रेस ही था, बाई चांस एक्सटेंड जब आप अगर निगम पार्षद बने गए तो कूड़ा डालने की जगह छोड़ी है क्या? कहाँ डालोगे? ये लास्ट 15 साल से आपकी सरकार रही है एनसीडी में, जगह बनाई, एक ही जानता हूँ हमारे निगम पार्षद में, अगर एक भी की कहीं रिश्वत लियो ओपन चैलेंज है।
मैं जाना चाहूंगा देखो तो मेरी बात समझाओ बिल्कुल हमारे तीन चार बंदों के ऐसे ऐसे दिक्कत आ जाएगी अपनी बात थोड़े सवाल करो ये कैंप लगेगा सर हेलो विकास जी सवाल विकास जी आपके अनुसार जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने इस क्षेत्र में कितना योगदान दिया कितने कार्य किए हैं एक बार रिपीट कर दो आवाज एक बार रिपीट करो प्लीज जैसा भी आपको कदम जवान बुला जाते हैं शांति के साथ पहली बात तो हाँ जी पहली बात तो अगर पार्षद ने भाजपा ने पिछले 15 वर्षों से कुछ अच्छा काम किया होता तो टिकट रिपीट होती रहती और भाजपा की आज सरकार बन रही होती यहाँ पे एमसीडी में भाजपा की सरकार आ रही होती और हेमराज गर्ग जी आगे दावेदार होते टिकट ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भाजपा ने क्या काम पिछले 15 वर्षों में करा देखो जी मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूँ ये नेशनल मुद्दे नहीं चलेंगे विजन पे बात करो बुद्ध विहार के विकास के लिए बात करो 50 वर्षों से हम सिर्फ कांग्रेस आम आदमी और झाड़ू इससे पूछ आना तबीयत कैसी है ये तो पहले नंबर पे कह रहे थे आज क्षेत्र को कर्मठ युवा पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी चाहिए जो आपके हक की आवाज को सिविल सेंटर में उठाते बेकार की बातें नहीं चाहिए भाई क्या बात तुम भी निर्दलीय से भेदभाव करोगे क्या आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी अभी निर्दलीय के साथ ना नॉमिनेशन से लेकर लास्ट तक भेदभाव है पर चिंता ना करो इस बार दल को नहीं अपने क्षेत्र के दिनेश जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों से जो ये विकास अनावृत जारी है इसको रुकने मत देना चाहते इसको रुकने मत देना विकास जी विकास जी देखो मैं यहीं पे सवाल को खत्म करूंगा सिर्फ एक बात कहेंगे कि सबने अपने हिसाब से प्रयास किया काम करने का फिर चाहे वो हमारे पास कांग्रेस सत्ता में रही भाजपा रही आम आदमी पार्टी रही या कोई भी अगर आता है तो सबने अपने हिसाब से प्रयास किया लेकिन किसी ने कम किया किसी ने ज्यादा किया चुनने का वक्त आ चुका है ये क्षेत्र की जनता चुनेगी मैं भी यही कहूंगा बजाय किसी को एक ऐसी पार्टी के पक्ष में चुनने के आप उस व्यक्ति को चुने जो पढ़ा लिखा है समझदार है आपके क्षेत्र में काम कर सकता है क्योंकि ना तो आपके क्षेत्र के अंदर इस समय जो चुनाव है वो निगम का चुनाव है मोहल्ले का चुनाव है गली का चुनाव है आपकी नाली साफ करने के ना तो राहुल गांधी जाने वाले ना मोदी जाने वाले आपके पास वही जो आपके क्षेत्र का बच्चा है जो उपयुक्त है जो समझदार है उसे चुने जिसे आप नहीं समझते बजाय किसी एक पार्टी के पक्ष में जबरदस्ती सत्ता लगाने के दिनेश जी मेरा ये कहना कि जो ये चर्चा चल रही है जिसके साथ चर्चा करनी वो तो यहाँ पर है ही नहीं जो वो तो मैदान से साफ है यहाँ पे साफ दिख रहा है जो 8 साल से यहाँ पर एमएलए बना था जिन्होंने पूरा पूरा घर बना दिया निठाला विधानसभा का महेंद्र गोयल जिसके फार्म हाउस चलते हैं हिमाचल के अंदर 50 करोड़ रुपए का होटल अभी खरीदा है वो तो यहाँ पर है ही नहीं वो यहाँ पे दूसरी बात जो निगम पार्षद यहाँ पे था वो यहाँ पर तीनों लोग नहीं आए इनसे तो सिर्फ आप ये पूछो आपका अगला विजन क्या है आप क्या अपना एजेंडा लेकर आए कैसे आप विकास करेंगे आप तीनों लोगों से बात करिए इतना चुनाव क्यों लड़ गया हेमराज यहाँ से गायब है महेंद्र गोयल यहाँ से गायब है अमृत जैन यहाँ से गायब दो ही शासित पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस तो 15 साल से नहीं है और कांग्रेस का तो वजूद इतना रह गया सिर्फ कितने वोट देगी और आम आदमी पार्टी को हरा देगी या जिता देगी बीजेपी को जिता देगी या हरा देगी कांग्रेस का तो इससे ये वजूद है कांग्रेस की बात मत करो लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की और विकास को लाया लड़का पढ़ा लिखा लड़का है इन तीनों की बात करो राजपाल भाई एक बिल्कुल बढ़िया और व्यवहार का विनम्र
व्यक्ति है। विकास गोयल पढ़ा लिखा हमारा बच्चा है। विनोद दबास एक बहुत ही बढ़िया परिवार से है। इन तीनों से ये पूछो करेंगे क्या आज और आने वाले समय के लिए। एक बार इस व्यक्ति के विकास गोयल जी, एक चीज से मैं बहुत खुश हूँ कि आप या आप पार्टी हो, अब आप जरूर कुछ ना कुछ जनता के लिए करोगे। मेरा सवाल अगर ये 500 इस भाई को तो झाड़ू से निकाल चुके हैं, अब अंगूर नहीं मिले तो छत्ते ही होंगे भैया। एक बार सामने बैठे शांति बना के अच्छा ईमान से बताओ, डिबेट में मजा आ रहा नहीं आ रहा? देखो भाई ने अभी एक बात कही थी, मुझे आम आदमी पार्टी से निकाला गया। आम आदमी पार्टी का ठोकर राजेश गोयल मार के आया है, ना कि आम आदमी पार्टी को अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे राजनीति से त्याग पत्र देने का मेरे किसी भी पार्टी का मेरे गले में पटका नहीं मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात देखना, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। और सुनो, आज भी 3 दिन पहले भी आने के लाख लग रहा था मेरे पास, मेरे साथ सब नहीं करते। सबको बता दो, बेशक आम आदमी पार्टी से इनको निकाला या नहीं निकाला, या आम आदमी पार्टी इनको चुन रही है या नहीं चुन रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्षेत्र से जरूर सौंपा यहाँ पे, यहाँ जरूर सौंपा, मैदान में नहीं है। एक बार सुनिएगा प्लीज, एक बार सुनिएगा। यहाँ भुजरिया के सभी जनता बैठी है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मुझे लग रहा है विश्वास की पूरी गारंटी मिल रही है कि आप सब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा को लेकर संतोष पूर्वक व्यक्त है आपके बीच में। इस बार इस बच्चे को मौका देना और फिर देख लेना, आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वादा नहीं, गारंटी देके जा रहा हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ का भी माहौल खराब ना हो, क्योंकि हम सब देखो, हम सबकी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी है, प्रेम भी आ रहा है, और जान में मैं बिहार में आ रहा हूँ ईमानदार से। बोध बिहार के कम से कम 4 से 5 से 6 घंटे आपके बोध बिहार में निकलते हैं। अपना परिवार मानता हूँ, बोध बिहार को आपके परिवार का बच्चा कम से कम एक बार। हम ये मेरा काम नहीं है यहाँ पे, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना करके। ये सिर्फ चुनाव की घड़ी है, 5-7-10 दिन उसके बाद हम सब मजा आएंगे। इस समय एक दूसरे को तकरार करें, क्यों? सही नेता चुनना है, सही व्यक्ति को चुनना है, तो बजाय हम एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करने के लिए, क्रॉस करने का मौका इससे क्षेत्र की जनता को दें। इस समय सोचा होता है क्रॉस करने का मौका इस क्षेत्र की जनता को दे, बजाय कि हम आपस में क्रॉस करें। ठीक है, इन्होंने अपनी बात रखी, ये क्रॉस करेंगे, आप अपनी बात रखो, ये क्रॉस करेंगे। अगला सवाल, लेंटर माफिया का राज वाकई बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। चाहे फिर वो कांग्रेस के राज में हो, बीजेपी के राज में हो, आम आदमी पार्टी के राज में हो, कहीं ना कहीं जो लेंटर माफिया का जो राज है वो बहुत ज्यादा है, और क्षेत्र की जनता निष्पक्ष तरीके से वाकई इससे बहुत परेशान है।
गरीब आदमी बहुत नहीं बहुत परेशान है, सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है, आप लोग बताओ सच्चा नहीं है, आप लोग बताओ सच्चा नहीं है, आप खड़े हो, आप खड़े हो सच्चा नहीं है, आप बताओ अगर वाकई लेंटर माफिया के हो तो हाथ खड़े हो सच ईमानदारी से। अगर बीजेपी के पास वोट मांगने के लिए तो काम के नाम पे वोट मांगो जी, काम के नाम पे एक वोट पे एक काम करा दो। लेंटर माफिया की बात कर रहे हो, बीजेपी वाले बैठेंगे एक मिनट, सभी को लेंटर माफिया के नाम पे परेशान हो या नहीं, सभी उपस्थित सदस्यों को नमस्कार, एक बार सुन ले जी। हाँ जी, मैं मेरी तरफ देखिए, सामने वाले सभी तरफ देखिए, ठीक है मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ 32 वर्ष से, लेकिन बीजेपी को वोट ना डालूंगा ना डलने दूंगा, स्वयं सेवक हूँ, सभी लोग मैं जानते हैं सामने बैठे हुए, प्राथमिक शिक्षा वर्ग शिक्षित हूँ मैं, लेकिन हेमराज सबसे बड़ा लेंटर माफिया इस क्षेत्र में ना तो आया। मेरे मकान से पैसे लेके अब मैं ये बड़ी लेंटर माफिया के नाम पे इन लोगों का डर, मेरे नशे अंदाज लेंटर के पैसे लिए थे, कितने पैसे 60,000 रुपए एमसीडी वाले भेजे थे, एक मिनट सर कोठारी शाखा वालों को लेके गया था, लिखवा के आए थे, उसके बाद उसने एमसीडी वाले नोटिस मेरे घर भेजा, शाखा वाले वो बैठे सामने, वो बैठे मेरे साथ, बजाय कि हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, हम बात करेंगे,
क्योंकि पिछले कार्यकाल को देखते हुए हम लोगों को है कि जो सही है, लेकिन इस चीज को समाधान कैसे हो सकता है? एक बार पर्याप्त करेंगे, आप बताइए, एक लाइन हम सब मिलकर एक मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, लैंडर माफिया की जो बात करते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार आप सभी के सहयोग से हम मिलकर उसको बाहर करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ये संस्था के बगैर मैं एक बोलो योगेश, अरे अरे
सुना भैया, एक मिनट सब लोग शांति से तरीके से बैठ जाओ। और मेरा निवेदन है दिनेश जी से, सिर्फ एक ही प्रश्न, ये जो तीन लोग खड़े हैं, ये तीन लोग पांच साल में अपना क्या सामान बेचेंगे, क्या सामान उन्होंने तैयार किया है, या फिर दुकानदारी क्या समा के लेके आए हैं? तीन अपना पांच साल में तीनों उम्मीदवार अपना क्या सामान बेचेंगे, सिर्फ इसकी चर्चा करो। कौन पार्षद पैसे खा गया, कौन एमएलए पैसे खा गया, ना तो पैसे निकलते और ना किसी का कुछ बिगड़ता। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप लोग जैसे हम लोग संस्था में जैसे हम लोग काम करते हैं, एक सामाजिक तौर पर हम काम करें, मिलजुल कर काम करें, सभी के सहयोग से एक ऐसा काम, एक जिम्मेवारी ऐसी हो कि क्षेत्र का व्यक्ति ही कर्मचारी और अधिकारियों से काम ले, निगम पार्षद या निगम के कार्यालय ना जाना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था समाज में बैठकर हम बनाएं, तभी इसमें से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, आप लोगों के सहयोग से। कैसे हम इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था को खत्म कर, देखिए दिनेश जी, आप एक सिस्टम बनाओगे, एक बार में एक बार आदमी बोले और उतने में काम कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ, माइक बंद करना कोई बुरी बात नहीं है, देखो जवाब हो गए तो यार आप लोग ना सिर्फ देखो, आप तीनों से एक लाइन में जवाब दो, क्योंकि बहुत आप लोगों के पास भी कम टाइम है, इनके पास भी कम टाइम है, अपने अपने काम है सबके। अभी कार्यालय पर भी एक मीटिंग है, एक एक लाइन अपने आपको लोगों ने मुझे एक घंटा पहले बुलाया, कार्यक्रम हमारा ऐसे ज्यादा बोल बोल के भ्रष्टाचार के मुद्दे हटेगी नहीं, वो तो लगे हुए हैं, चिंता मत करो। कैसे कर सकते हैं साथियों, पहले खुद पाक साफ होना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा कि अगर आप टिकट पैसों से लेकर आओगे तो आप क्षेत्र का विकास नहीं करोगे, अगर टिकट पैसों में आएगी तो आप क्षेत्र का विकास नहीं, पहले अपना विकास करोगे साथियों। तो पहले समझना होगा कि चुनाव लड़ना है, अगर सेवा करनी है ना, तो बिना सिंबल के भी लड़के देखो आ जाओ मैदान में, सेवा करनी है तो लाइटर की कमाई से मत लड़ो इस चीज को, पहले आपको खुद बात साफ बनना होगा और कमाई से काम नहीं चलेगा। विनोद जी, विनोद जी एक लाइन में बात खत्म करेंगे, अगला सवाल रखें, वही दिक्कत आ जाती है, वही दिक्कत आ जाती है, देखो यहाँ होगा तो मुझे देखिए व्यवस्थित चल रही है, जी 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 दिल्ली के हाथ मलाई नहीं लगी तो वो आने लगे। हेलो माइक 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 करो करो करो, इतना आवाज बड़ी थोड़ी है यार, करो करो। तो जब हाथ नहीं आया टिकट तो भाई साहब अपने लगे लिए, चलो ठीक है, पांच साल ये भी अपने मुख्यमंत्री के दांत लगे हुए, जब इनको उसमें कमी नहीं थी और टिकट बेचेगा, कमी लगी जब इनको छोड़ दी, ये तो कह रहे हैं पार्टल कूलर लगा के हमने लोगों का प्याज पे प्याज नहीं शराबियों का अड्डा बढ़वाया, उनका पीने का ठंडा पानी मिला, महिलाओं को निकलना पाप हो गया, खाने में जब वो वाटर कूलर लगा बंद करवाया, इन्होंने अड्डा बनवाया था मैचियों का, गलत झमका होने लग गया था,
महीना नहीं निकल सकती थी। या तो जितने पार्षद आए एक ने भी एक बार बोला कि भाई मार्केट में शौचालय की दिक्कत है। मैं बोलता हूँ घंटे के साथ सबसे पहले शौचालय मिलेगा मार्केट में। राजपाल जी एक लाइन में बात रखेंगे कि आपने डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर के क्या किया, बस एक लाइन में। हमने कुछ नहीं किया संस्थाओं के माध्यम से डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए दवाइयों का छिड़काव हुआ, जो भी दवाइयां उसमें उनके लिए जो दवाइयां है वो छिड़काव किया गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज दोनों के दोनों कैंडिडेट का बुद्ध विहार विकास समिति के किए हुए कार्य गिना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कोई भी काम किया जाता है उसके कुछ प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। मेरी ख्याल से यहाँ पर खड़े हुए सारे साथी बिना शराब पीने वाले हैं, कोई ऐसा साथी नहीं है। अब कोई शराबी उसमें जगह ले लेगा तो आप ये बताओ कि 99 लोग अगर उसमें अपनी प्यास बुझ जा रहे हैं तो मैं शराबी एक ही वजह से 99 लोगों को प्यासा करने के साथियों चार वर्षों से हर बार डेंगू चिकनगुनिया जागरूकता अभियान के लिए रिक्शा घुमाई जाती है और 23 दिनों में 40 लोकेशन पर जा जाके झाड़ी मजदूर की तरह काम करके प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो दिखाई और उस साल के आंकड़े उठा के देख लो 2018 में डेंगू कितना क्या सदर था। बिल्कुल जब से खत्म कर आपने क्या काम किया एक लाइन में? हमारे तो कांग्रेस पार्टी जब थी तो हर बार सरकार हो रहा था सबसे पहले मेरे बात रखने दो बात रखने दो एक टाइम पर दवाइयाँ जो कभी कभी नहीं गए काला माता की नहीं हुई। मॉल को खराब होता है जो मैं सवाल करूँ उनका जवाब दे दो प्लीज। मैं एक और सवाल नालियों की गंदगी को सब कैसे दूर करेंगे क्यों की पतली पतली गलियां एक मिनट मैंने आपको ये पहले पूरा सवाल प्यार कर करता पूरा सवाल बहुत पतली पतली गलियां हैं जहां पर घोड़े की गाड़ी नहीं जा पाती वो गलियों की सफाई कैसे होगी बताएं। बुद्ध विहार के अंदर 10 फुट से पतली कोई गली नहीं है ये मैं आपको बता दूं। वहां पर ई रिक्शा जो छोटी ई रिक्शा है उसका जाने का प्रबंध होगा जहां कोई कभी आना होगा वहां पर कोई आगे क्या करेंगे वहां पर सारी गाड़ियां लगी हुई है और गाड़ियां बढ़ा दी जाएंगी और इसको सफाई की जो व्यवस्था है उसके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं मैं इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे तो आप लोगों के बीच में रहेंगे आप लोग उनसे काम करवाएंगे। मेरे भाजपा के साथी जो पिछले 15 वर्षों से नहीं कर पाए पिछले 15 दिनों से मेरा भाषण सुन के बता रहे साथियों हमारे यहाँ पे छोटी और बड़ी सात गली है पूरी चप्पल 4 जोड़ी की सार के बड़े जूतों से चप्पल की चिंता है। 4 गलियों में कुछ 20 फूटी 35 गली और बाकी की गली 10 फूटी है। साथियों हर गली से कूड़ा उठाया जाएगा और 5 करोड़ रुपए हर एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए कूड़ा उठाने के नाम पर कूड़ा करें नहीं एक मिनट रुकना हर आदमी खड़े 100 रुपए नाली और कूड़ा उठाने के नाम पर दे रहे हैं और 8,000 घर बुद्ध विहार में है 1 करोड़ रुपए कूड़ा उठाने के नाम पर कूड़ा दे रहे हैं 5 करोड़ रुपए कूड़ा उठाने के नाम पर दे रहे हैं जबकि काम इस भाजपा की सरकार का है। Thank you.
भाजपा नहीं देखा सवाल आपसे, ये क्षेत्र की जनता एक सवाल एक लाइन में जवाब देंगे, ये क्षेत्र की जनता आपको क्यों चुने बस, क्योंकि आपका प्रोग्राम है, आपको जाना, ये सवाल आपसे। मैं इस क्षेत्र की जनता से सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि आप लोग इसलिए मुझे चुने क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मुझे सोशल वर्क के बारे में भी जानकारी है। हम लोग आप लोगों के बीच में बैठ करके आप लोगों के साथ मिल करके इस प्रकार का कार्य करेंगे। आप लोग उसे इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे, आप लोगों के साथ में मिलकर काम करेंगे, वो सभी के सहयोग सभी योजनाएं बनेंगी, सभी अधिकारी और कर्मचारी आपके साथ होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग मुझे मौका दें, आप लोगों का प्यार मुझे मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले। Absolutely.
बहुत में हम पढ़े लिखे समझदार है, एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, बात सुन रहे यार प्लीज हाथ जोड़ो, एक मिनट मैं सबकी सुन रहा हूँ, एक मिनट जाओ यार, जाओ भाई साहब, एक मिनट एक मिनट सब लोग किसी को बीच में तो सब लोग यहाँ पहुंचे, सबसे पहले तो आप लोगों का भी धन्यवाद, जो लोग यहाँ पहुंचे थे उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं पहुंचा उनका भी धन्यवाद, क्षेत्र की जनता ने चुना है, आप किसी को भी चुने, तीनों में से किसी को चुने, जो गहरा जी रहा, जो नहीं आया, जो मौजूद नहीं रहा, चाहे आप उसे चुने, आपकी मर्जी है, लेकिन 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 आप हमेशा उसे चुनना जो पढ़ा लिखा है, समझदार, फिर करो बीच में टोकना कोई बात, पढ़ा लिखा है, समझदार है, आप लोगों को जो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास था कि मैं सभी प्रत्याशियों को एक मंच पे ला करके आप सबके सामने उनके विचार रखूं, मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं एक दूसरे के नीचा दिखाऊं, एक दूसरे को ऊंचा दिखाऊं, मेरा कोई मकसद नहीं, ईमानदारी से अगर आप लोगों को रखना है कि जो भी व्यक्ति आप लोगों के लिए उपयुक्त है आप उसको चुनो, लेकिन जबरदस्ती किसी एक पार्टी पर ठप्पा मत लगाना, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत ईमानदारी से, हम लोग ना सबके सब बहुत गरीब परिवार से या मिडिल परिवार से, हम लोग कोई भी हम लोग अपना कीमती वोट देके, हम लोग अपना ईमानदारी से, हम अपने बच्चों का पेट काटते हैं, अपना सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं, मैं पत्रकारिता गलियों में घूम घूम के करता हूँ, कूड़ा कचरे के अंदर जाता हूँ, ठीक है कूड़े के पहाड़ तक जाते हैं, हम लोग यहाँ पे गटर दिखाते हैं, नालियां दिखाते हैं, तो हमारी मैडम तो ये कहने लगी, मेरे तो सारे पिंकी काम करती है कि सर क्या कहाँ कहाँ मेरे को लेके जाता हूँ गलियों के अंदर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना कीमती अंगूठा लगा रहे हैं सर इन लोगों को रोजगार देने के लिए, जो आज तैयारी कर रहे ना, कल को वो विधायक बनेगा, पार्षद बनेगा, एमएलए बनेगा, फिर उसका मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, हम लोग इनको रोजगार देते हैं, जिस दिन आप अपने सही मायने में इस अपने अंगूठे की वोट की कीमत को समझ जाओगे, पार्टी पक्ष पर छोड़ के, उस दिन हम लोग कामयाब हो जाएंगे, हम क्या करते हैं, हम लोग अपना अंगूठा दबाते हैं, समझो बात को, हमने अपना अंगूठा दबाया, हमने विधायक बनाया, अंगूठा दबाया, सांसद बनाया, इन लोगों को रोजगार मिला, तनखा मिली, लेकिन ये लोग जब राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, सिंहासन पे बैठ जाते हैं, हमें बेरोजगार बनाते हैं, ये लोग हमें बेरोजगार बनाते हैं, जिनको हम रोजगार देते हैं, ईमानदारी से ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना पक्ष की करता हूँ ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष होकर बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, और हो सकता है मेरी बातें सभी को पसंद ना आती हूँ, लेकिन उनके लिए भी माफी चाहता हूँ जिनको पसंद नहीं आती, ये सारी की सारी डिबेट हमने सीसीएन न्यूज 24 चैनल के फेसबुक पेज पर लाइव लगाई है, जिसने पेज को फॉलो नहीं किया है या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो वहां पर भी देख सकते हैं जी, एक बात में जी, हमें कोई राजनीतिक बात नहीं करनी, बिल्कुल कोई राजनीतिक बात नहीं करनी, राजनीतिक की सुनूंगा, देखो शायरी में सब कुछ हम कम बुला, राजनीति नहीं करनी, शायरी सुना तो कोई बात, हाँ बोला विकास जी ने जब यहाँ की स्थिति देखी, पढ़े लिखे नौजवान और युवा वर्ग को इग्नोर करके बहुत सी पार्टियों ने जब ये माना कि बुझा हुआ कारतूस होता है, किसी मर्जी को टिकट दे दो ताकि पार्टी के बलबूते पर अपने आप ही जीतकर आ जाएगा, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने, भूल बिहार के लोगों ने विकास के अंदर ये पाया कि युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा है, जानता है, और संघर्ष और जुझारू इसकी छवि है, तो इसके बारे में लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है वो कम ऑब्जर्वेशन के बारे में लोगों ने जो देखो आप लोग किसी पर उम्मीदवार को नहीं करते, जो भी समझते हो सही गलत, आप लोगों को जो उम्मीदवार जैसा लगता है वो डिबेट में कमेंट बॉक्स के अंदर हमने ऑप्शन है वहाँ पे फेसबुक पे आप डालो, आपको लगता है कि हमारी डिबेट सही है, आपने जनाब पूछा था जी, जी, लैंडर पाफिया कैसे खत्म होगा जी, मैंने ये पूछा था बिल्कुल, मैंने अच्छा प्रत्याशी चुनने पे जी जी, अच्छा प्रत्याशी चुनिए जी, लैंडर पाफिया खत्म हो जाएगा, कि मैं एक नाम नहीं ले रहा, आप लोग डिबेट के बारे में लिखिएगा कमेंट में कैसी रही, मेरा हौसला बढ़ेगा, आप लोगों को कैसा लगता है, जो उम्मीदवार अच्छा लगता है वो कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, आपको जिसको अच्छा लगता है आप उसे चुने, लेकिन एक पार्टी के हो करके जबरदस्ती मत चुनना, सिर्फ उस व्यक्ति को चुनना जो पढ़ा लिखा है, समझदार, जो आप लोगों के लिए उपयुक्त है, किसी पार्टी का नाम नहीं लोग, मैं आज हमारे भाई ने, पत्रकार ने एक आपके सामने प्रपोजल रखा था
के एग्रीमेंट के नाम पे। अब एग्रीमेंट के नाम पे आपके सामने दो ही प्रत्याशी बचे हैं भाई साहब, और जो एक तो आया नहीं और एक चला गया। फिर वही बात हो जाती है, उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरी बात, कैमरे पे बात हुई है, सबके सामने हुई है, उन्होंने कहा कि आपने सुना भाई किसी ने उनकी कथनी का सुना है फरक है। आप मैं भाई कर आप कमेंट बॉक्स में राय देना, आपको ठीक लगे उनका एक हम तैयार है हमारे अंदर चुने 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 चुने।